किड्स काना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से सभी जनपद वासियों व प्रदेश वासियों को रक्षा बंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित शर्मा महानगर अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से समस्त जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को रक्षा बंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद बिनाका राठौर, पार्षद पति ज्ञानाराम राठौर, वार्ड नंबर 29 टापा खुर्द की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद फूलमाला राठौर, पार्षद पति सतीश राठौर, वार्ड नंबर 36 लक्ष्मी ज्वेलर्स हिमायूपुर की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामोतार सिंह राशन डीलर ग्राम खेरिया पटिकरा जसराना फिरोजाबाद की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद भरथना में चकबंदी कार्यालय में तैनात चकबंदी कानूनगो को बृहस्पतिवार को पूर्व में रहे मकान स्वामी ने ओवर ब्रिज से अगवा कर घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसने कानूनगो के फोन से लड़के को फोन कराया और उससे 10 लाख रुपये की मांग की। कानूनगो के लड़का ने टूंडला से आकर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने चकबंदी कानूनगो को मुक्त कराया। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? ड्यूटी जा रहा था जी, तो जो सुभाष चौराहे ऊपर हाईवे पे जी, दो जने आए बाहर बैठे, हरिंदर सिंह और मनोज। पहले मैंने मकान में किराए पर आया था, दो साल तो ले गए, पकड़े गए, बंद कर दिए। लड़का को फोन करवाया, लड़का आया, लड़का इंक्वायरी भी की, आप किस पद पर हैं, क्या करते हैं? मैं कानून विभाग, चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग में किस बात को लेके बंधक बनाया और आपके साथ क्या किया? बात कुछ लेके नहीं, मैं 2 साल मकान में रहा था, मैंने किराया दिया 40,000 रुपये पहुँच गए। अब जो सामान ले जाओ, अपना सामान बाद में ले जाए। मारपीट भी की है आपके साथ? हाँ, हटा भाई जी। आपके आपके साथ क्या घटना हुई है? सर सुबह तकरीबन बाबा दूधी आए थे, घर से निकले 10-10 बजे करीब हम सर, और मेरी बैग से बैग से आ रहे थे, तो यहाँ पर बाबा खुद गए, हरिंदर कुमार सिंह थे, उनको अपने साथ ले गए और कमरे में जाके बंधक बना लिया। और तकरीबन 1 बजे समथिंग सर मेरे पास फ़ोन आया पिताजी के फ़ोन से, तो पिताजी ने मुझसे कहा कि अलग कर बेटा, सुबह बाद आ जा। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने अपने तरफ से फ़ोन किया, तो फ़ोन हरिंदर सिंह ने उठाया और बोले मुझसे, 10 लाख रुपये ले गया, अपने बाप को लेके जाइए। फिर तक उसके बाद फ़ोन काट दिया। फिर लगातार कॉल पे कॉल कर रहा था, कॉल स्विच ऑफ आ रहा था।